हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछला वीडियो कक्षा 9 के लिए पिछले वीडियो में बताया था प्रश्न माला 13। आज हम करेंगे प्रश्न माला 14.1। इसमें त्रिकोणमिति दे रखी है, आधारभूत त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहले क्या करते हैं, 14.1 प्रश्न माला समझने से पहले इसके जो मूलभूत सूत्र हैं वो समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न माला करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई है? इस समकोण त्रिभुज से। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये थीटा होता है। ठीक है, इसका कुछ भी मान हो सकता है, 0 से लेकर 90 तक। और ये कोण है, इसका मान कितना है? 90। ठीक है, इसमें जो नीचे की भुजा होती है, जो थीटा कोण है इससे लगती हुई, इसको बोलते हैं आधार। और इसको एल से निकालते हैं। ठीक है, इस थीटा के जो सामने की भुजा होती है, ये आधार बेस है ना, इसके सामने की भुजा ये लंब, इसको एल से निकालते हैं। और इस ये जो कोण है 90 डिग्री का समकोण, इसके सामने जो भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, इसको के से निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं क्या होते हैं, जैसे अगर हम इनके अनुपात लेते हैं, इसका लंब और ये कर्ण, इनका अनुपात लेते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब एल बटे के, तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि साइन और थीटा दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा बनता है, नहीं तो ये कुछ नहीं का मान, ना तो साइन का कुछ मान होता है ना थीटा का, इन दोनों को मिला के साइन थीटा बनता है। इसी तरह से अगर हम आधार बटे कर्ण लेते हैं, इनका अनुपात लेते हैं ए बटे के, तो इसको बोलते हैं कोस थीटा। ठीक है, अगर हम लंब बटे आधार लें एल बटे ए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। जस्ट इनका और उल्टा कर दें तो हो सकता है इनका उल्टा, जैसे कर्ण को ऊपर कर दिया, नीचे क्या कर दिया लंब। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण का उल्टा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा के बटे एल। तो साइन का उल्टा, एक तरह से साइन का उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका उल्टा करें कर्ण बटे आधार के बटे ए, तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, एस ई सी थीटा। अब टेन का उल्टा करें, जैसे आधार बटे लंब कर दें इसको, ए बटे एल, ये होता है कोट थीटा। ठीक है, अब देखो इनको वैसे इतने सारे छह हैं याद तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको याद करने का एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए। देखो इसमें एक टेबल बना के समझाता हूँ, बहुत ईजी है बनाना। यहाँ देखो बन गया यहाँ पर, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़े, मतलब पहले लंब पढ़े फिर कर्ण पढ़े, तो ये बन जाता है साइन थीटा, मतलब लाल बटे कक्का में एल बटे के साइन थीटा, एल बटे के साइन थीटा। आधार बटे का में ए बटे के, मतलब यहां से नीचे की ओर आएंगे तो क्या बन जाएगा ये कोस थीटा, कोस थीटा ए बटे के कोस थीटा। एल बटे के लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है, अगर इनको नीचे से उल्टा पड़े, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो क्या बन जाएगा ये कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो ये बन जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब बटे जो बन जाएगा कोट थीटा। तो इससे हम याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का, ये याद रखो त्रिकोणमिति के सारे अनुपात तुम्हें आराम से याद आ जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली के सवाल करते हैं जो इससे संबंधित हैं। ठीक है, हाँ
पहला सवाल देखो, प्रश्न माला 14.1 का पहला सवाल बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में एक कोण 90 डिग्री का है, त्रिभुज बना लो, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, एक कोण 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है, ए मतलब इसके जो सामने भुजा स्मॉल ए दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसके सामने भुजा 7 सेंटीमीटर बी बराबर, ठीक है, तो बी और सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, ये जो ऊपर का बचा हुआ है इसको सी लिख लेते हैं, इसको हम पहले थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना निकालना है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम बोधायन प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगती है, ठीक है, तो बोधायन प्रमेय से देखो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 25 गुणा 25 625 माइनस 7 का वर्ग 49 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 9 नहीं जाते 15 में से 9 जाएंगे तो 6 576 576 वर्ग मूल निकालेंगे तो ए बराबर आएगा 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया हमने 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे साइन थीटा मान निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, जो मैंने तुम्हें सूत्र लिखा था लाल बटे कर्ण उसमें एल बटे के होता है, यहाँ पर एल क्या है 7, के क्या है 25, ये हो गया अपने मान किसका साइन थीटा का, अब निकालना है कोस थीटा का मान, तो ये क्या होगा आधार बटे कर्ण ए बटा के, आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25, टेन थीटा निकालना है तो क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है 7, आधार क्या है 24, तीन मान निकालिए। अब भाई तीन मान निकालने के लिए क्या करना है, इनको उल्टा निकाल कर देना है, जैसे को थीटा निकालोगे, कोट निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो, ए बटे एल तो 24 बटे 7, सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालने के लिए कोस को उल्टा कर दो, के बटे ए तो 25 बटे 24, अब क्या निकालेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा करने के लिए साइन को उल्टा कर देंगे, के बटे ए मतलब 25 बटे 7, ये हो गया हमारे पास में बी के लिए, ठीक है, ये बी के लिए। अब क्या करेंगे हम इसको सी के लिए भी निकालेंगे, हाँ बी और सी के लिए दोनों के लिए पूछा है, अब सी के लिए देखो, अब हम क्या करेंगे इस थीटा को उठाकर यहां रख देंगे, यहां से मिटा देंगे, तो उसके लिए ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब, ठीक है, तो साइन इसको सी नाम दे देते थीटा के लिए, तो थोड़ा सही लगेगा कि ये सी के लिए है, साइन सी, साइन सी बराबर क्या है लंब बटे कर्ण एल बटे के, इसमें लंब क्या है 24 कर्ण 25, 24 बटे 25, कोस सी निकालेंगे, कोस सी, कोस का मान क्या है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है आधार ये है 7 और कर्ण वही 25 है, अब निकालेंगे हम टेन सी, टेन सी बराबर क्या होगा ए बटे एल, ए बटे एल आधार क्या है 7, एल क्या है 24, अब निकालेंगे कोट सी, कोट सी टाइम उल्टा होता है एल बटे के, तो इसको उल्टा कर देंगे 24 बटे 7, अब सेक सी निकालेंगे, सेक सी, सेक सी कोस का उल्टा होता है तो के बटे ए मतलब 25 बटे 7, अब क्या निकालेंगे कोसेक सी, कोसेक सी मतलब क्या होगा साइन का उल्टा तो के बटे
एल मतलब 25/124। ये हमारा पहला सवाल हो गया, ठीक है। पहले सवाल में इतनी सारी चीज़ें पूछ रही, इसलिए सवाल थोड़ा बड़ा ज़रूर है। इसको आप वीडियो को रोक लो और रोक के इसको उतार लो और एक बार बिना देख करने की कोशिश करो, है ना। हाँ, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर, बिल्कुल इसके जैसे जैसे सवाल है। त्रिभुज एबीसी में कौन बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर ये कौन बी दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। देखो ए बराबर 12 डिग्री दे रखा है, ए के सामने 12 सेंटीमीटर, बी के सामने 13 सेंटीमीटर, आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार बहुत धान प्रमेय से आधार निकालेंगे, बोधायन प्रमेय से आधार सूत्र क्या होता है, आधार बराबर देखो कर्ण स्क्वायर माइनस अगर लंब स्क्वायर घटा देंगे तो ये आधार निकल जाता है। आधार देखो कर्ण क्या है यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें से 12 का स्क्वायर 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, ठीक है। 25 का 5 होता है आधार, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें ए और सी के लिए पूछा है, तो यहाँ ए के लिए तो यहाँ थीटा की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख के चलेंगे, ये बिल्कुल जैसे पहले सवाल में था वैसे वैसे ही निकालना है, है ना। तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सवाल सेम ही है। तो साइन ए बराबर, इसका मतलब क्या है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण तो 12/13, कोस ए आधार बटे कर्ण 5/12, टेन ए बराबर लंब बटे आधार 12/5, और कोट ए बराबर ए बटे एल 5/12, सेक ए कर्ण बटे आधार 13/5। एक मिनट, यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है। और कोसेक ए बराबर के बटे एल, कोसेक ए बराबर के बटे एल, के 13 एल 12। अब सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखो साइन सी बराबर एल बटे ए, तो 5/L/A तो 5/13। दूसरा कोस सी बराबर ए बटे के, तो 12/13। टेन सी बराबर क्या है, ए बटे एल, तो 12/5। अब ये उल्टा करना है, ठीक है। हमारी ये प्रश्नावली हो जाती है, ये प्रश्नावली नहीं, ये दूसरा सवाल है, बिल्कुल पहला और दूसरा सवाल एक जैसे ही सवाल है, संख्या का अंतर है। इन दोनों सवाल को आप अच्छी तरह करो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और लगभग त्रिकोणमिति का बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीसरा सवाल करता हूँ, तीसरे सवाल में थोड़ा सा अंतर दे रखा है। तो तीसरा सवाल है उसमें क्या दे रखा है कि टेन ए बराबर √2 - 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोस ए बराबर 1/2 √2। यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो तीसरा सवाल, इसको उतारो तो मैं तीसरा सवाल लिखता हूँ। टेन ए बराबर √2 - 1 दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे ए, ठीक है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये एल है, ये ए है, ये के है, ठीक है। तो एल का मान दे रखा है यहाँ पर √2 - 1, और ए का मान कुछ नहीं होता, एक मान लो, हमें कर्ण निकालना है, तो बोधायन प्रमेय से कर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। देखो एक का स्क्वायर ए की एक प्लस यहाँ √2 - 1 का स्क्वायर, देख क्या होगा, एक का स्क्वायर एक प्लस √2 का 2 और प्लस एक माइनस 2 √2,
एक दो और तीन और चार, चार माइनस दो अंडू दो, ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब देखो दो अंडरूट दो, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अंडरूट दो माइनस एक, ये क्या हो गया अपना के का मान हो गया। ठीक है, हाँ हमारा अगला आगे सवाल क्या रहता है कि यहाँ पर साइन और कोस से दोनों मान चाहिए, साइन क्या है इसमें लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब का मान क्या है हमारे पास में अंडरूट दो माइनस एक, ठीक है, कर्ण का मान क्या है दो अनुरूप दो, अनुरूप दो माइनस ए, ठीक है, और कोस थीटा निकालना है, कोस ए निकालना है, कोस ए का मान क्या है ए बटा के, ए का मान क्या है एक, और के का मान दो अनुरूप दो, अनुरूप दो माइनस ए, ये है। हमको क्या निकालना है, ये पूछ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोस ए बराबर एक बटे दो अनुरूप दो, एक बटे दो अनुरूप दो, ये निकालना है। इसके लिए हम एल एक्स एस लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, तो साइन का मान हमारे पास में क्या है अनुरूप दो माइनस एक बटे अनुरूप के अंदर दो अनुरूप दो, अनुरूप दो माइनस एक, ये तो गया साइन का मान, कोस का मान क्या होगा एक बटे उसी तरह से दो अनुरूप दो, अनुरूप दो माइनस एक, ये हो गया। अब इनको हम गुणा करेंगे, तो ऊपर वाले से ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे वाले से नीचे से गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो अनुरूप दो माइनस एक ही आ जाएगा। नीचे देखो ये वर्गमूल के अंदर, ये वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करते हैं तो क्या होता है कि वर्गमूल हो जाता है, संख्या एक ही रह जाती है, तो दो अनुरूप दो और अनुरूप दो माइनस एक, देखो ये जो संख्या है संख्या सेम है, कट जाएगी एक बार तो एक बटे दो अंडू दो रहता है हमारे पास में साइन ए कोस ए का मान, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, चौथा सवाल बोल रहा है यदि साइन ए बराबर एक बटा तीन है, साइन ए बराबर एक बटा तीन है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और इसको ए दे देंगे, ठीक है, ए बी ए सी, साइन ए बराबर साइन का मान क्या होता है लंबटे कर्ण, मतलब एल बटे के, एल का मान क्या है एक, एल के सामने एक और के सामने तीन, तो हमें ये निकालना है आधार, आधार कोई बोधायन प्रवेश निकालेंगे, बोधायन एलडी से, बोधायन प्रमेय क्या कहती है आधार निकालने के लिए, मैंने तुम्हें पहले लिखवा दिया सूत्र के माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के का मान क्या है ई का स्क्वायर माइनस एल का ए का स्क्वायर, तो नौ माइनस एक तो अनुरूप आठ, इसको बोलते हैं दो अनुरूप दो, ठीक है, कैसे मिलेगा तो दोबारा बता देता हूँ, चार गुना दो लिख सकते हैं आठ को, दो का वर्ग मूल तो निकल जाता है और अनुरूप दो का नहीं निकलता, इसलिए ये रह जाता है। ठीक है, दो अनुरूप दो। अब देखो सवाल क्या है रहा है कि यहाँ पर किसका मान निकालना है, कोस ए कोस ए के प्लस टेन ए सै के, टेन ए सै के इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें दो अंडरूट दो और कर्ण क्या है तीन, गुणा कोस ए के कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है तीन, लंब क्या है एक, प्लस टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब एक है आधार क्या है दो अनुरूप दो, गुणा सह के, सह के कर्ण बटे आधार तीन बटे एक। ठीक है, देखो हाँ ये दर्ज कर देना सह के, देखो एल ए एल बटे के ए, तो सह के यहाँ पड़ता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है इसमें तीन, आधार क्या है दो अनुरूप दो। ठीक है, और कोसेक आधार बटे लंब, ठीक है आधार बटे लंब,
दो अंडरूट दो लंबे एक है। ये सूत्र देखिए बीच में अगर कहीं दिक्कत आ गई हो तो अभी गुणा कर देखो सेम संख्या है इन गुणा करने के बाद हो जाएगा दो कवर चार और अंडरूट दो कवर दो तीन में से गुणा करेंगे तो तीन प्लस तीन गुणा करेंगे तीन और इसको करेंगे तो इस तरह से चार गुणा दो चार दो आठ बटे तीन प्लस तीन बटे आठ ठीक है लघु तो हम लोग आठ किया चौबीस आठ हो गई चौंसठ प्लस तीन किया नौ कितने हो गए तिहत्तर बटे चौबीस। एक बार कोई मिस्टेक होती है तो एक बार दोबारा देख लो सवाल को। हाँ दोबारा चेक करते हैं इसके एक बार ना यहाँ से मुझे मिस्टेक लगती है कोसेक का मान है कोसेक ए कोसेक के बराबर क्या है देखो इस सूत्र से एल ए एल बटे के ए के बटे एल होगा के बटे एल के का मान क्या है यहाँ पर तीन एल का मान एक है तो हमने यहाँ पर तीन बटे यहां से देखो देखो तीन से तीन काट दिए ये बचेगा दो अंडरूट दो तो दो अंडरूट दो प्लस तीन बटे आठ ये होगा इसका आंसर ठीक है। देखो ये सॉल्व करने के पहले क्या कोस कोसेक टेन और सेक के मान अलग अलग निकालो फिर एक साथ रख लो तो ये सॉल्व आसानी से हो जाते हैं ठीक है।